इस समय हम सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर वर्कशॉप बे में हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस को किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ एक खास प्रोसेस है जिसमें जब भारी भरकम इक्विपमेंट को बदलने की ज़रूरत होती है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खास तरीके का प्रोसेस इस्तेमाल करके ट्रेन को पूरा का पूरा ऊपर उठाया जाता है। और यह प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या होता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव चंद्रा जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अभिनव जी, यहाँ पर क्या खास मैकेनिज्म है? ये हमारा वर्कशॉप शेड है। यहाँ पे कोई भी आउट ऑफ कोर्स रिपेयर आता है, कोई हैवी वर्क अगर ट्रेन में होता है तो हम उसको इस शेड में लाते हैं। और इस लाइन पर हमारे सिंक्रोनाइज पिट जैक्स है, तो अगर उसके अंडर फ्रोम में कोई भी मान लीजिए उसकी बोगीज चेंज होनी है या कोई मेजर काम होना है, जैसे ट्रांसफार्मर चेंज होना है या हैवी इक्विपमेंट कोई चेंज होना है, तो ये जैक्स जो है पूरी की पूरी 8 कोर्स को एक साथ उठाते हैं और उसकी मल्टीपल बोगीज और जो भी वर्क है वो साइमल्टेनियसली हम इसमें अटेंड कर सकते हैं। कितना ऊपर उठाते हैं इसमें? लगभग गाड़ी जो है मैक्सिमम 1.8 मीटर तक उठ जाती है। 1.8 मीटर तक उठ जाती है। तो क्या इसको उठाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये उठेगी गाड़ी और क्या क्या किया जाएगा, जरा बोलिए। जी बिल्कुल, अभी हम उठा के दिखा। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं कि अब इस गाड़ी को उठाया जाएगा। ये खास तरीके के जैक्स लगे हुए हैं, सिंक्रोनाइज हैं। सिंक्रोनाइज का सीधा सा मतलब है कि एक साथ ये काम करेंगे, यह अलग अलग काम नहीं करेंगे। अब देखिए, यह पूरी की पूरी ट्रेन अब ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, यह जैक्स इस ट्रेन को ऊपर उठाने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। और जब यह ट्रेन पूरी तरीके से जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए वहां पर पहुंच जाएगी, उसके बाद इसके मेंटेनेंस का काम शुरू होगा। तो अमूमन क्या सारी ट्रेनों का इस तरीके से आप मेंटेन करते हैं या जिसमें ज़रूरत होती है? जिसमें ज़रूरत होती है केवल वही ट्रेन जो है शेड में आती है जिसमें रिपेयर, हैवी रिपेयर की आवश्यकता होती है। तो हैवी रिपेयर्स में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, मतलब किन किन चीज़ों में ज़रूरत होती है? हैवी रिपेयर्स हो गए, जैसे आपकी इस गाड़ी में कोई बोगी चेंज होनी हो या कोई अंडर स्लंग में मेजर इक्विपमेंट चेंज आना हो, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, LTC हो गया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स हो गए, तो वो सब जो है यहाँ पे शेड में चेंज होना की फैसिलिटी बेटर इक्विप्ड है उस लिहाज से। तो यहाँ आप समझिए, ये खास तरीके का ट्रेन सेट डिपो बनाया गया है और इसका जो मुख्य काम है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हम कह सकते हैं उसके रिपेयर का ये काम है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन पूरी की पूरी ऊपर उठ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन जैक्स का इस्तेमाल करके और इस ट्रेन को ऊपर उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं मैकेनिकल स्टाफ है वो अंदर जाएगा और देखेगा कि क्या क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं। अगर यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को यहाँ पर बदलने का काम किया जाता है। तो यह खास तरीके के जैक्स हम आपको दिखा रहे हैं और यह जैक्स निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इतने मजबूत हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन को उठा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिट का नंबर लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसका जो वजन है यानी 29 टन भार उठाया जा सकता है। और ख़ास तरीके के स्टॉपेज यहाँ पर लगे हुए हैं यानी ट्रेन कहीं आगे ना चली जाए। तो यहाँ वंदे भारत के मेंटेनेंस का यह नया रूप आपको दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा कि आखिरकार यह ट्रेन किस तरीके से मेंटेन की जाती है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह ट्रेन धीरे धीरे करके ऊपर उठाई जा रही है और 1.8 मीटर की यहाँ पर बात कही जा रही है, 1.8 मीटर। और यह जैक्स पूरी ट्रेन को धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि नीचे का हिस्सा दिखाएँ कि आखिरकार यह ट्रेन नीचे से अब कैसी दिख रही है। तो यह जो काम है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन का मतलब है तमाम लोग उस पर चल रहे हैं, बहुत से लोगों की सुरक्षा है, तो इसको मेंटेन किया जाना निहायत ज़रूरी है। तो दिल्ली डिवीज़न में ये खास तरीके की फैसिलिटी बनाई गई है, यानी सकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यह दृश्य अपने आप में अलग है, निश्चित तौर पर अलग है। और इस तरीके की जगह पर आने के लिए हम कह सकते हैं कि हम बहुत पास नहीं गए हैं इसलिए हेलमेट नहीं लगाया है, लेकिन हेलमेट ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर उसको भी हम आपको
क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी चीज़ है जो आपको दिक्कत देती है, अगर ऐसी परेशानी आती है तो उसमें दिक्कत यह होगी कि कोई चोट लग सकती है आपको, कोई भी हिस्सा अगर निकला हुआ है, कोई परेशानी है तो आपको चोट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ट्रेन से डिपो के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जो लोग यहाँ देखने के लिए आए या मेरे जैसे लोग जो यहाँ रिपोर्टिंग करने आते हैं उनके लिए भी हेलमेट काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन सकूर बस्ती, ट्रेन सेट डिपो, दिल्ली।